पोजीशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस, ये ना डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ते हैं, हम पहले एक डायग्राम को देखते हैं, बहुत सही डायग्राम है जिसने बनाया। आप देखो ये बहुत बढ़िया डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया, सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट हर तरफ एमिट हो रही है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर एक सोर्स में से लाइट हर तरफ एमिट होती है तो आप क्रेस्टेंट ट्रफ हर डायरेक्शन में शो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो क्रेस्टेंट ट्रफ हर डायरेक्शन में आप शो कर सकते हो, राइट। ऐसी एक और सोर्स है ये रहा, इसके अंदर भी क्रेस्टेंट ट्रफ आप हर डायरेक्शन में शो कर सकते हो, ऐसे। क्लियर है यहां तक? तो अब एक चीज देखो, इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को दो आइडेंटिकल सोर्सेज लेने हैं। इस टॉपिक में आइडेंटिकल सोर्सेज को बोला जाता है कोहरेंट सोर्सेज, तो डेफिनेशन में मेंशन भी किया हुआ था फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज। कोहरेंट का मतलब एकदम आइडेंटिकल, मतलब अगर ये सोर्स डिस्टरबेंस यहां जनरेट करता है और क्रेस्ट जनरेट करता है तो ये भी इतने डिस्टेंस पे एग्जैक्टली क्रेस्ट ही जनरेट करेगा, इतना आइडेंटिकल। और दो बल्ब चाहे सेम, चाहे देखने में आइडेंटिकल हैं, वो फिर भी कोहरेंट नहीं सोर्स प्रोवाइड कर सकते, कोहरेंट लाइट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप कहोगे वो तो सेम वोल्टेज के हैं, सेम तरीके के बल्ब हैं, फिर आइडेंटिकल लाइट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लाइट की जनरेशन में और फिर नीचे आते हैं और लाइट एमिट होती है। लाखों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे गिर रहे हैं तो उनकी मोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उस लेवल तक, और मुझको बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स चाहिए। तो दो बल्ब आइडेंटिकल सोर्स की तरह काम नहीं करते, इसीलिए यंग्स ने क्या किया था, यंग्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स लिया, बस एक बल्ब लिया, और उसको उसके आगे एक स्क्रीन को रखा, स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे दो होल्स कर दिए, इतने छोटे एमएम के अंदर है इसकी विड्थ, इसको स्लिट बोलते हैं, दो स्लिट्स कर ली। इससे क्या हुआ, क्योंकि लाइट यहां से निकली, आधी लाइट यहां से निकलेगी और आधी यहां से निकलेगी, तो जितनी लाइट यहां से निकलेगी एग्जैक्टली उतनी लाइट यहां से निकलेगी, और जो फेजेस इसके लाइट के चेंज होंगे वही फेजेस इसके भी चेंज होंगे। तो कहने का मतलब कि दो अलग अलग बल्ब लेने की बजाय एक ही बल्ब ले लिया और इक्विडिस्टेंट ले लिया होल से, वो होल्स पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और वही लाइट को आधी इधर निकाल रहे हैं, तो आइडेंटिकल लाइट है। ठीक, हम कह नहीं सकते कि ये आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि एक ही सोर्स ने जनरेट किए तो आइडेंटिकल वेव्स ही जनरेट होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तभी तो एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या है, यंग साइंटिस्ट का नाम, डबल दो स्लिट्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है यहां तक? तो देखो, इमेजिन करो यहां पर वेव्स ही वेव्स निकल रही है, इसने कम बनाई है जबकि वेव तो हर तरफ ही वेव्स ही वेव्स होंगी, ऐसी यहां से भी वेव्स ही वेव्स निकल रही है। सामने एक स्क्रीन को रख दिया गया, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा देखा कि नॉर्मल लाइट से ज्यादा लाइट जो है यहां पर दिखाई दे गई, यहां पर ज्यादा लाइट गिरी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे गए जहां पर लाइट होनी चाहिए थी पर लाइट दिखी नहीं, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट आ गया, जबकि दो दो सोर्स ऑफ लाइट है, स्क्रीन पे लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी, फिर ब्लैक स्पॉट कैसे आ सकता है, वहां पर डार्कनेस कैसे आई बीच में? वो इसलिए आई क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे के ऊपर गिर गया, और क्योंकि आइडेंटिकल है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है, आपस में क्या कर गया, पूरी तरह कैंसल, और यहां पर डार्कनेस हो गई। लेकिन यहां पर अगर एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी का भी ए है, ए और ए मिला के कितना हुआ, 2A, नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिरेगी यहां पे, तो यहां पर नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिर गई, यहां पर गिरी नहीं, यहां पर ज्यादा गिर गई, यहां पर गिरी नहीं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिरी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं गिरी, जबकि होना यह चाहिए था एक स्क्रीन के ऊपर एनर्जी गिरनी चाहिए थी लाइट की 10 यूनिट्स, गिरी कैसे, एक पॉइंट पर गिरी 20, एक पे 0, 20 0 20 0, टोटल एनर्जी रिमेनिंग दी सेम, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, जब एक लाइट का दूसरी लाइट के साथ आपस में सुपर इम्पोज होना और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर लाइट का ज्यादा गिरना और कहीं पर
कम गिरना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। जहां पर लाइट नॉर्मल से ज्यादा गिरी वो ज्यादा ब्राइट पॉइंट आया, और यहां पर इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया गया, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर आपस में कैंसलेशन हो गई वहां पर इंटरफेरेंस का क्या नाम दिया गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है यहां तक। इसी डायग्राम को ऐसे भी बनाया गया, फिर से एक सोर्स है चेक कर सकते हो, दो स्लिट्स हैं चेक कर सकते हो, यहां से लाइट आई ये चेक कर सकते हो, लाइट आई ये वेव फ्रंट की फॉर्म में डायग्राम है, यहां से वेव फ्रंट्स आए आपस में, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट आप देख पा रहे हो इसमें जो है कंसाइड कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मैक्सिमा का पॉइंट आया, कहीं पर ज्यादा लाइट है, कहीं पर कम लाइट है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, एंड सो ऑन। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर, ये थोड़ा अलग डायग्राम मैंने पेस्ट किया पर बहुत बड़ा है, पर ये एमएम के अंदर ही थिकनेस है, बहुत छोटी है, बड़ा करके बनाया है। तो जहां पर मैक्सिमा है वहां पर लाइट ज्यादा दिखाई दी, जहां मिनिमम है वहां ब्लैक स्पॉट नजर आया, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, कुछ इस तरीके से। तो जहां लाइट, इसको ब्राइट बैंड भी बोला जाता है, डार्क बैंड बोला जाता है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से। बैंड को इस चैप्टर में फ्रिंज बोला जाता है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, एंड सो ऑन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और ये अगेन यंग्स को, अगेन ऐसा तो था नहीं कि यंग्स को लगा कि ऐसा ही होगा तो ऐसा निकल आया, कोई ऑब्जर्वेशन तो रही होगी। और ऑब्जर्वेशन किसी भी लाइट की, जो वेव की ऑब्जर्वेशन है, वो लाइट जो है वो कहाँ से इंस्पायर हुई, वाटर से, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर देखा गया, इसलिए उसने दिमाग लगाया कि ये लाइट में भी सेम होता होगा। उसने प्रूव करके दिखाया कि जैसे वाटर के अंदर वेव सुपर इम्पोज होती हैं, ऐसे लाइट में भी होती होंगी। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी दिखाता हूं कैसे हुआ ये, इधर देखना। A bright spot underneath, so we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave... डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये अब पॉइंट्स देखो, इधर ये वाले पॉइंट्स, ये देखो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से।
meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up... with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light cancelling itself out. This is basically the same as light. Hello, creature. These were the ideas. Well, against steady water waves, and he accepts by one through. You would expect Huygens and Huygens up and the waves cross each other, crest mid troughs at certain places, and cancel each other's amplitudes. These places line up, and we find these nodal lines where the amplitude is zero. At other places, crests meet crests, or troughs meet troughs, and they double the amplitude. These places line up, and we find these antinodal lines, where the amplitude is a maximum. As the waves travel forward and hit a screen, we can see these places with greater amplitude and zero amplitude. Even though we must use water waves to demonstrate interference like this, the pattern on the screen is like the pattern Young saw the light as 100s. Imagine a wave of the sea coming towards the beach. The whole length of the wave is called a wavefront. Huygens says this point is spread of his point time. The Hittites, a crest becomes a constant and out in all directions. The fronts of the circular wavelets are like a new straightwave front. We can draw this white line as a tangent to all the... पॉइंट समझ में आया, बस ये बताओ आप. तो वेव फ्रंट का पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या वेव. ओके, तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो डेफिनेशन में इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. तो क्या डिस्कस किया, लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई इन द मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस. तो क्या बताया कि दो कोहरेंट का मतलब आइडेंटिकल सोर्सेस. आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि अगर आइडेंटिकल होंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा, सेम. और जहां वो कैंसलेशन होगी लाइट की तो हमें दिखेगी प्रॉपर कैंसलेशन, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ तो कैंसलेशन प्रॉपर दिखेगी नहीं, वहां कुछ ना कुछ लाइट गिर जाएगी. तो कोहरेंट सोर्स का होना जरूरी है. एट पॉइंट्स वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव. एंड एट पॉइंट्स वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? ठीक. ये एक्सपेरिमेंट किसी ने पूछा, सर दो ट्यूब जल रही हैं, वो रही मेरे को तो दिखाई नहीं देता यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, या तो लाइट ही लाइट है, क्योंकि वाइट लाइट में सात रंग है, सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करोगे तो दिखेगा क्या, लाइट ही लाइट दिखेगी. तो यहाँ पर आपको जो लाइट लेनी है वो लेजर लेनी है, इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, सिंगल कलर लाइट, क्योंकि ये लेजर लाइट के साथ ही एक्सपेरिमेंट होगा. नॉर्मल